चाहे आप सिनेमा हॉल गए हों या ना गए हों, बहुत मुमकिन है कि अब तक आपने घर बैठे ही ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा देख ली होगी। जी नहीं, किसी पायरेटेड तरीके से नहीं, बल्कि मीम्स के जरिए, लोगों के ट्वीट्स के जरिए, टीवी रिपोर्ट्स के जरिए एंड ऑफ कोर्स फैन थ्योरीज के जरिए। इस फिल्म की हाइप से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा लगता है कि मानो 11 मुल्कों की पुलिस इस फिल्म के बिजनेस को डीकोड करने में लगी है, क्योंकि आजकल सबके मन में बस एक ही सवाल है, इस ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा अ हिट और अ फ्लॉप। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले ही हमने आपको ग्रॉस कलेक्शन और नेट कलेक्शन के बीच का फर्क समझाया था। ग्रॉस कलेक्शन वो जो गवर्नमेंट को दिए जाने वाले टैक्सेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स के कट और थिएटर्स के रेंटल को मिलाकर बताया जाता है। Once all these dues have been paid, the residual amount is known as the net collection. इसलिए ये सवाल बार-बार किया जा रहा है कि 410 करोड़ रुपए के बजट में बनी ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा को क्या सर्टिफाइड हिट घोषित किया जा सकता है? And the answer is no, not yet to be precise. अपनी रिलीज के 11वें दिन तक इसने डोमेस्टिकली 220 करोड़ रुपए और इंटरनेशनली 80 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। Thus, making its net collection rupees 300 crore, which still doesn't make it a hit. Because according to trade analysts, the film needs to earn anywhere between rupees 350 crore and rupees 600 crore to be declared a hit. ये रेंज इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि कई जगह पर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा का बजट 650 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इवन कंगना रनौत हैड स्कोल्डेड अयान मुखर्जी फॉर बर्निंग 600 करोड़ टू द ग्राउंड। Many people claim कि 600 करोड़ रुपए का बजट इसलिए क्योंकि इसमें प्रमोशन बजट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी इंक्लूड किए गए हैं। But the truth is, nobody except Karan Johar and Ayan Mukherjee know the exact amount. अंग्रेजी में कहावत है, one man's meat is another man's poison. अगर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा को इस साल की तीन सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट्स भूल भुलैया 2, गंगूबाई काठियावाड़ी और द कश्मीर फाइल्स के साथ कंपेयर करें तो ये कहावत एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि इन तीनों ही फिल्म्स का नेट कलेक्शन ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा से कहीं कम रहा है, मगर बावजूद इसके ये तीनों ही सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर्स हैं। क्योंकि यहां पर आता है बजट फैक्टर। द कश्मीर फाइल्स, विच अर्नड अ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन ऑफ ₹340 करोड़, वॉज मेड एट अ बजट ऑफ जस्ट ₹15 करोड़, दस मेकिंग इट अ सुपर प्रॉफिटेबल वेंचर। वहीं कई बार फ्लॉप मूवीज भी अच्छा पैसा कमा जाती हैं। मिसाल के तौर पर आमिर खान की फिल्म तलाश को ही ले लीजिए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे महज 95 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। कंसिडरिंग आमिर खान, रानी मुखर्जी एंड करीना कपूर वर इन द फिल्म, इट वॉज कंसिडर्ड अ फ्लॉप बाय द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। बट आमिर हिमसेल्फ रिवील्ड दैट सिंस द बजट ऑफ द फिल्म वॉज सो लो, इट एंडेड अप मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द मेकर्स, विच ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा हैजंट बीन एबल टू डू सो फार। As of now, strictly talking numbers, it can only be labeled as average. It might pick up its business later, it might not. But either way, Karan, Ayan, Ranbir and Alia should hold on to that champagne bottle for now. At least as far as numbers go. Varna khushiyan manane ki to wajah hazaron hain. Have you watched Brahmastra Part 1 Shiva yet? Do let us know what you think of it. And don't forget to subscribe to Shosha for your daily dose of entertainment.